الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سواه معلول بتشعيره المشاعر عرف عن لا مشعر له وبمزادة بين الأمور عرف عن لا زد له وبمقارنة بين الأشياء عرف عن لا قرين له زاد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم توحید اور شرک کے عنوان پر یہ آٹھویں تقریر آپ کی توجہات کے لیے ہدیہ ہے. جو کچھ بھی کہا گیا اور جو کچھ بھی آپ نے سنا کہتے ہوئے کبھی بھی دل و دماغ کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں تھا کہ ہم اپنی گفتگو کو منوا رہے ہیں. نہیں, خیال یہ تھا کہ ایک فکر کو پیش کر رہے ہیں, اس کو آپ توجہ کے ساتھ آگے بڑھائیں, ڈیولپ کریں, دیکھیں کہ شاید آپ کسی نتیجے پر پہنچے. اس اہم ترین عنوان کے لیے ظاہر ہے کہ 8 گھنٹے یقیناً کافی نہیں ہے, اور زقیم کتابیں اس مضمون کو کما حقہ بیان کرنے سے قاصر رہی ہیں. میرا کام صرف یہ تھا کہ بغیر دماغی تحفظات کے, بغیر کسی مینٹل ریزرویشن کے, آپ کے سامنے چند حقائق کو قرآن مجید کی آیتوں سے لے کر رکھ دوں, اور اس کے بعد آپ تصفیہ کریں کہ اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, تو ہم
सही तौर पर पहले यह तय करें कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पर रुक जाना तौहीद है, क्योंकि कलिमा तौहीद तो यही है कि कोई खुदा नहीं है काबिल परस्तिश मगर अल्लाह, यही कह के चुप हो जाइए, क्या यह तौहीद है? अगर फकत ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है तो मकाम अमल क्या है, मैदान अमल क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? उस एप्लीकेशन के लिए किसी का पैगाम चाहिए, किसी का अमल चाहिए, किसी की सुन्नत चाहिए, किसी का उस्वा हसना चाहिए, कोई पैगाम का पहुंचाने वाला चाहिए कि इस राह पर चलो, इस राह पर न चलो, ये खाओ ये न खाओ, ये पियो ये न पियो, ये पहनो या न पहनो, इस तरह से जिंदगी बसर करो जो खबीस को तैयब से पहचानवा दे, जो बतलाए कि यह ताहिर है यह नजिस है, जो बतलाए कि यह पाक है यह नापाक है, जो बतलाए कि यह हलाल है यह हराम है। आखिर तौहीद के परस्तार अमल भी तो करें। इसलिए लाजमी तौर पर यह कहना पड़ा कि कलिमा पूरा तो यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आपने यह कहा कि कलिमा पूरा यह है तो अब यह बतलाइए कि उस उलूहियत में और इस अब्दियत में क्या रब्त है? उस उलूहियत तमाम में और इस अब्दियत तमाम में रब्त क्या है? वो हय कयूम है, वो लम यज़ल ला यज़ाल है, वो कदीम है, अज़ली है, अबदी है, सरमदी है, और यहां ज़माना नबुव्वत कुल 23 बरस, 23 बरस कदीम भी कलेमा और 23 बरस की जिंदगी भी कलेमा। मेरे जुमलों को आप समझ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह दुरुस्त है, दुरुस्त है। कुछ न था वो था, कुछ न रहेगा वो रहेगा। उसके लिए अव्वल नहीं, उसके लिए आखिर नहीं, उसके लिए इन लेमा कैफा मता माजा कद ये कोई हर उसके लिए नहीं आता। और उसने कहा कि मेरा नाम लो, मुझे याद करो, मगर मेरे नाम लेने का सलीका भी मेरा बंदा सिखलाए। इसीलिए फरमाया कि मुझसे पहले किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा है। मैंने पहली तकरीर में कहा था कि मुझसे पहले किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा है। अपनी अपनी जबान में वो जो भी कहते होंगे, सारे अंबिया मुवाहिद थे, मगर ये कलेमा भी इन्हीं की जबान से निकला और इन्होंने ये किया कि ये कहा कि ये कलेमा भी वही है, मेरे अकल की तकलीक नहीं है, ये कलेमा वही है। इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फहल अंतुम मुस्लिमून। क्या तुम मुसलमान होगे? क्या तुम मुस्लिम बनोगे? मैं बशर हूं तुम्हारी तरह, मुझ पर वही आती है, वही की गई है कि खुदा तुम्हारा एक है, क्या तुम मुस्लिम बनोगे? तो आपने देखा नयाज अब्दियत यह है कि वो माबूद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तौहीद का अकीदा तूने दिया, माबूद का करम बंदे पे यह है कि वो ये कहे कि मेरा बंदा ही अब मेरे पैगाम को पहुंचाएगा। तो अब ऐसे बंदे को, ऐसे अब्द को माबूद से अलग करके देखना या यह कहना कि बस हम मुवहिद हैं, हम खुदा को एक मानते हैं,
हम अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो इसके लिए इस्लाम में और कुरान में तो कोई जवाब नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कोई शख्स रास्ते से गुजरते हुए कह दे अल्लाह एक है, नजासतों का ख्याल न रखे, अपनी गिजा का ख्याल न रखे, बंदगी न करे, इबादत न करे, कोई नेकी न करे, कहे अल्लाह एक है, आप उसको मुस्लिम कहेंगे? इस वास्ते कि सारी दुनिया का फलसफा बादे खत्मी मर्तबत अब इस नतीजे पर पहुंच चुका, कान ढीगल नेटे शुपनार और डकार्ट सबों ने लिख दिया कि अकल इंसानी इल्लतुल इलल पे जाके रुक जाती है। हर चीज की एक इल्लत है और इल्लत उला कोई है। तो क्या फलसफे का ये नतीजा अगर कोई आप अपनी जबान से कहे तो आप उसको मुवाहिद मान लेंगे? अरे मुवाहिद में छुपा हुआ है मुस्लिम, तौहीद में छिपी हुई है तस्लीम। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं। यहां तक तो गुफ्तगू थी और कल की तकरीर में यह अर्ज कर रहा था, सब अहबाब को इल्म है कि इस मकाम कुर्बत तामह पर कि वो हबीब महबूब वो अब्द महबूद या सरफरादी कि अगर हबीब किसी ने तुझको झुटलाने की कोशिश की तो हम बदतरीन अजाब में मुब्तला करेंगे, शहरों को तबाह कर देंगे, करियों को तबाह कर देंगे, ममलिकतों को तबाह कर देंगे अगर किसी ने तेरी तकजीब की। इसलिए कि इससे पहले जिस जिसने रसूलों की तकजीब की हमने उन बस्तियों को तबाह कर दिया। यह कल की गुफ्तगू थी, मैंने अपने पूरे सिलसिले कलाम को खत्म किया। आज की हद तक इतना अर्ज करूं कि जहां तक वक्त साथ देगा मैं आपकी खिदमत करूंगा और जाहिर है कि मुझे अपनी सारी तकरीरों को इस अय्याम गम की नस्टर पार्क वाली तकरीरों को कल 11 बजे किसी खुलासे के साथ किसी नतीजे के साथ यहां पेश करना है। अब जितना वक्त मेरे पास है वो बड़ा कीमती है और मैं आपसे वाकई माफी चाहता हूं कि बिल्कुल एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने जो मसाइल आपके सामने पेश किए हैं फिर कहता हूं कि उस पर नाज नहीं है, मगर चाहता ये हूं कि आप कुरान पढ़ने के बाद इन मसाइल पर नाज करें। आप कुरान पढ़ने के बाद इन मसाइल पर नाश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए कुरान में पढ़ता हूं सूरह यूसुफ, यह 12वां सूरह है, सूरह यूसुफ, फिर वही इरशाद कुल, तुम कहो। देखिए कुरान मजीद में बहुत कम ऐसे सूरह हैं जो मुसलसल हों, कोई भी नहीं है सिवाय यूसुफ के। बेटा बाप से जुदा हुआ, बेटे ने ख्वाब देखा, बाप से बेटा जुदा हुआ, कैद में आया और फिर उसके बाद रिहा हुआ, फिर बादशाह के पास गया, फिर कैद में आया, पूरा एक सिलसिला। और जहां सूरह खत्म हुआ वहां एक मर्तबा इरशाद खत्मी मर्तबत को हुआ, कहा कुल, तुम कहो, तुम कहो, हाज़े ही सबीली, यह मेरा रास्ता है, यह सबीलुल्लाह नहीं। कितना इख्तियार मिला है इस बंदे को, कितना इख्तियार मिला है इस बंदे को कि कुल, तुम कहो, हम इजाजत देते हैं। हाज़े ही सबीली अदउ इलल्लाह, मैं बुला रहा हूं अल्लाह की तरफ। हाज़े ही सबीली
ادعو الی اللہ, یہ راستہ میرا ہے, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی, اس بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں جو مجھے حاصل ہے. پیغمبر نے اپنی بصیرت کا اعلان کیا, یہ میرا راستہ ہے, یہ سبیل ہے میری, میرا راستہ. مختلف مقامات کلام مجید میں فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ کی اصطلاح تو آپ نے پڑھی ہوگی, مگر سورہ یوسف میں ارشاد ہوا قل ہاذہی سبیلی, کہو یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے اور میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, پاک ہے وہ, میں مشرک نہیں ہوں. اب آپ نے دیکھا توحید اور شرک کی منزل, غور سے سنیے اس کو. قل ہاذہی سبیلی, تم کہو میرا راستہ ہے, تم کہو میں بلا رہا ہوں, تم کہو میری بصیرت ہے, پھر کہو میں مشرک نہیں ہوں. تو سبیل سبیل رسول, دعوت دعوت رسول, بصیرت بصیرت رسول. آپ نے غور نہیں کیا, اور یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. راستہ خدا کا, بلانے والا اپنی طرف وہی, ہادی وہی. قل اللہ یہدیکم للحق, سورہ یونس کہہ دو اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. نبی کہتا ہے میں بلا رہا ہوں, میں دعوت داعی میں ہوں, اور پھر راستہ میرا ہے, بصیرت میری ہے. اور فقط میری بصیرت نہیں, جو میری پیروی کرے وہ بصیرت, علی بصیرت انا ومن اتبعنی, اور جو میرے تابع ہو. اور ابراہیم نے بتلایا کہ مقام اتباع کیا ہے, ابراہیم نے کہا من تبعنی فہو منی, جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے. تو اب مقام اتباع رسول پہ, جو منیت رسول پہ فائز ہو, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میری بصیرت. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, اللہ کے رسول سے پوچھنے کو جو جی چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آیت یہ یہاں کیوں ختم ہوئی کہ میں مشرک نہیں ہوں, میں مشرک نہیں ہوں. اس وقت کیا اعتراض تھا کسی کو, اس وقت دنیا کیا کہہ رہی تھی, کیا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا راستہ نہیں ہے, کیا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں, کیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کی بصیرت نہیں ہے. اللہ کے رسول, اگر دنیا اس وقت کہہ رہی تھی تو آج بھی کہتی ہوگی, آج بھی کہتی ہوگی کہ خبردار اگر موحد ہو تو بس اللہ کا نام کافی ہے, ہو اور حق کے نعرے کافی ہیں. رسول کی کیا گفتگو ہے, رسول کا کیا ذکر ہے, مگر آپ کو معلوم ہے اگر رسول ہٹ جائے, رسول ہٹ جائے توحید ثابت نہیں ہے, اگر رسول ہٹ جائے تو توحید ثابت نہیں ہے. اگر رسول آپ کے دل و دماغ میں نہ رہیں, اور اگر رسول کا حکم آپ کے پیش نظر نہ رہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے توحید الہی کو قبول نہیں کیا. تھوڑی سی گفتگو, یہ سورہ یوسف کی آیت تھی, ذرا سا ذہن بتاؤ. سورہ صف کلام مجید کا 61واں سورہ ہے,
यह 12वां सूरा था जिससे इस्तदलाल किया गया। उन्वान की आयत आले इमरान से है, शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हू, 61वां सूरा सूरा सफ। यह दो आयतें हैं, जरा आप सुनिए, तर्जमा मैं भी करता हूं और आप भी माशाअल्लाह कुरान पढ़ते पढ़ते तर्जमा करने के काबिल हो गए हैं, इसलिए कि कुरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो बहुत ज्यादा बलीग नहीं होते, आपके लिए आसान है। सूरह सफ, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, ये लोग इरादा करते हैं कि फूंक कर अल्लाह के नूर को बुझा दे। वल्लाहु युतिम्मु नूरहु, अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा। वलौ करहल काफिरून, अगरचे काफिर कराहत करें। नूर इलाही को बुझाने वाले काफिर हैं। आए फिर पढ़ता हूं, युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून। मैं सूरह सफ से आयत पढ़ रहा हूं, 61वां सूरह। उसके बाद ही हुवल्लज़ी, दूसरी आयत हुवल, उसके बाद की आयत हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, जिसने रसूल को अपने हिदायतों के साथ भेजा, वदीनिल हक और दीन हक के साथ भेजा। लयुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि उसका दीन तमाम अदियान पर गलबा पाए। वलौ करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक कराहत करे, जब अपना जिक्र आया तो कहा ये कराहत करने वाले काफिर, जब नबी का जिक्र आया तो कहा कराहत करने वाले मुशरिक। बहुत गौर से सुनिए, सूरह सफ, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक कराहत करें। अगरचे तो मतलब ये कि जहां दीन इस्लाम गलबा चाहे, और अगर कोई दीन इस्लाम के गलबे को पसंद न करे वो मुशरिक है, वो मुशरिक है। अब एक बहस रह जाती है, मैं समझता हूं कि उमूमन मजालिस में और इन मजामे में हम बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं हो सकते हैं और एकेडमिक भी नहीं हो सकते हैं, मगर आपकी तवज्जो के लिए, क्योंकि मुझे आपके कुव्वत इदराक पर, कुव्वत दर्राका पर आपकी नाज है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आप कबूल करते हैं, रिसेप्शन अच्छा है, इसलिए एक आयत पढ़ता हूं, एक आयत, और यह सूरह तौबा की, ताकि शिर्क को कुफर को आप पहचाने। मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, मुशरिक को इजाजत नहीं है कि हमारा घर बनाए। भाई जिसको आपकी निगाह में मुशरिक समझते हैं वो अल्लाह का कोई घर बनाता है? यह सूरह तौबा, नवा सूरह, जिसको सूरह बरात भी कहते हैं। मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीना अला अनफुसहिम बिल कुफ्र, किसी मुशरिक को इजाजत नहीं है हमारा घर बनाने की, जबकि उनका नफ्स गवाही दे कि वो काफिर है। आपने जगह शिर्क और कुफ्र को एक जगह कर दिया, मुशरिक को इजाजत नहीं है हमारा घर बनाने की। शाहिदीना अला अनफुसहिम बिल कुफ्र, कि वो गवाह हैं
कि उनके नफ्स काफिर हैं, काफिर हैं, इनकार करते हैं, इनकार करते हैं रसूल का, घर बनाते हैं मेरा, इनकार करते हैं रसूल का, घर बनाते हैं मेरा, तो खुदा गवाह है कि कुरान ने कहा ला तकुम फी अबदा, ए रसूल ऐसे घर में न ठहरो जाके, इसलिए कि इसकी बिना कुफ्रो निफाको शर पर है, इस घर को गिरा दो, हुक्म खुदा से मस्जिद को गिरा दिया गया और कहा कि वो मस्जिद हमको पसंद नहीं है, जो हमारा घर सही मगर हमसे बिगड़ के बने। बहुत अजीब चीज है, इसको कौन सी मस्जिद आपने कहा, इसका नाम आपको मालूम है, मस्जिद ज़रार, वात रे अलिफ रे, मदीने में नमाज जुमा शुरू हुई तो लोगों ने कहा उतनी दूर जाके रसूल के साथ कौन नमाज पढ़े, हम अपने मोहल्ले में पढ़ लें, हम अपने मोहल्ले में पढ़ लें। मस्जिद बनाई, मस्जिद बन गई, मस्जिद बन गई, जाहिर है एक रात में मस्जिद बनती है, दिल अपना पुराना पापी था, एक रात में मस्जिद बन गई और सुबह को वही आई, हबीब देखा तुमने, देखा तुमने उन्होंने मस्जिद बनाई है, उन्होंने मस्जिद बनाई है, और उस मस्जिद को कुरान ने कहा मस्जिदन ज़िरारन व कुफरन व तफरीकन बैनल मोमिनीन व इरसादन लमन हारब अल्लाह व रसूलहू, यह पनाहगाह है जो रसूल से और अल्लाह से लड़ने वाला है उसको छिपा के रखने की जगह है, हमारा घर नहीं है, यह कमीगाह है इरसाद, कमीगाह है कि जो तुमसे और हमसे लड़े उसको छिपाने के लिए इन्होंने घर बनाया है, जाके तोड़ दो मस्जिद, मस्जिद तोड़ दो। नबी के जमाने में नबी के हाथों अल्लाह के घर को तोड़ा गया और ये कुरान में मौजूद है, क्यों तोड़ा गया, यही फिर उसी का नीचे आयत मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, मुशरिकीन को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अल्लाह का घर बनाए। अरे परवरदिगार, वो तो नमाज जुमा अपने महल्ले में पढ़ना चाहते थे, वो मुशरिक कैसे हो गए। नमाज अपने महल्ले में पढ़ना चाहते थे, अल्लाह के रसूल का घर बहुत दूर था, वो मस्जिद बहुत दूर थी, उन्होंने कहा अपने महल्ले में पढ़ेंगे, तो ना मुशरिक मस्जिद न बनाए, जबकि उनके नफ्स गवाही दे रहे हैं कि वो कुफ्र पर हैं। तो अब आपने इस मंजिल को भी देख लिया कि कितना करीबी रिश्ता है माँ बहन कुफ्रो शिर्क के। हम ये समझते हैं कि जिसने कहा खुदा दो वो मुशरिक, अरे कोई है खुदा को दो कहने वाला आज रूए जमीन पर साहेब अकल। मैंने आपसे बतलाया हिंदुस्तान के फलसफियों ने कहा कि उनकी जो हजारों देवियां हैं और उनके जो सदा बुत हैं ये सब एक ही अल्लाह के जलवे हैं, एक ही अल्लाह की तजल्लियां हैं कि जिसको मुख्तलिफ सूरतों में आप देखते हैं। वो और बात है कि कोई इनकार कर दे, इनकार कर दे, करोड़ों इंसान जो सुर्ख सैलाब की जद में आए
उन्होंने तो खुदा का इनकार कर दिया ना, वजूद बारी का इनकार कर दिया, वजूद साने का इनकार कर दिया और कहा कि हम खुदा ही को नहीं मानते। देखा आपने, या तो अब दो ही हालतें हैं, या खुदा का कोई इनकार कर दे कि है ही नहीं, या ये कि कोई खुदा को माने। खुदा को माने ऐसे मौके पे शरीक होने का सवाल, शरीक करने का सवाल इतना अहम हो जाता है कि जहां थोड़ा सा ज़हन इंसानी मुंतशिर हो जाता है और लोगों की बातों में आ जाता है। मैंने किसी की ताज़ीम की, आप मुशरिक हो गए। मैंने किसी की तकरीम की, आप मुशरिक हो गए। मैंने किसी को सलाम किया, आप मुशरिक हो गए। मैंने अदब से किसी के सामने सर को झुकाया, आप मुशरिक हो गए। शिर्क तो अब इतना आसान हो गया, अब इतना आसान हो गया कि जरा सी बात पर और मैं चीख रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। आप कलमे तैयबा को सुनने के बाद भी मुस्लिम नहीं कहेंगे मुझे, और जरा सी उस नजर पर कि जहां इख्तलाब फिक्र हो, आप कहेंगे कि देखो ये शिर्क हो गया, देखो शिर्क हो गया, गैर खुदा। तो मैं मजलिसों के दौरान अर्ज किया हूं, कल तफसील से अर्ज करूंगा जब मैं समाप्त करूंगा मेरी पूरी तकरीरों को। एक मरतबा सिर्फ आपके हाफिजे के लिए दो बातें, एक कही हुई बात, एक वो बात जो फिर आज कह रहा हूं जिसको आपने नहीं सुना है मगर आपके जहन में है। इसके बाद कहिए कि शिर्क है। कोई नबी न था और वही तन्हा था और उसने आवाज दी कि अब जमीन में खलीफा बनाता हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाऊं। यानी इस जुमले में भी नबुव्वत का जिक्र नहीं है, नबुव्वत का जिक्र नहीं है। हजरत आदम के लिए बड़ी हैरानी है मुफसरीन को कि इनको नबी कहा गया कुरान में या नहीं कहा गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, तो साथ ही कहा कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यसफिकु दिमा, क्या तू चाहता है कि जमीन में खूनरेजी हो, जमीन में फसाद हो। वो नहनो नुसब्बिह बिहम्दिका व नुकद्दिस लक, तेरी तस्बीह हो, तकदीस हो, तमजीद हो, तहलील के लिए हम हैं। قال اني اعلم ما لا تعلمون, कहा कि मुझे इल्म है, तुमको इल्म नहीं है। तो इल्म को इल्म नहीं है। और हां उसको बनाया है मिट्टी से बनाया है। फैदा सब्दाई तो हूं वह नफाख तो फी अमिन रूही फकाऊ लहू साजदीन, जब मैं रूह डाल दूं सजदा करो। मलाइका ने सजदा किया। मलाइका ये तो कहते हैं कि क्यों बनाता है आदम को, यह खूनरेजी करेगा। और मलाइका ये नहीं कह सकते कि यह सजदा शिर्क है। मलाइका ये तो कहते हैं अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यसफिकु दिमा, क्या खूनरेजी करने के लिए बना रहा है। मगर जब हुक्म हुआ सजदे का, मलाइका ने सजदा किया, अजमाउन सबों ने सजदा किया, एतराज नहीं किया इल्ला इबलीस। सजदे को शिर्क समझना या कुफ्र समझना वो भी इबलीस के बस में नहीं है। गुफ्तगू कहां तक पहुंच गई। यानी इबलीस ये नहीं कहता कि मालिक शिर्क नहीं करूंगा, वो ये नहीं कहता मालिक कुफ्र नहीं करूंगा। वो अपनी हुज्जत अलग पेश कर रहा है कि परवरदिगार मुझे आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, मैं उससे अफजल हूं। अफजल को क्यों झुकाता है मफजूल के सामने। शैतान बड़ा अकलमंद है,
शैतान बड़ा अकलमंद है, वो फिर भी ख्याल करता है कि अफजल को नहीं झुकना चाहिए मफजूल के सामने। उसने कहा फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, जाओ जाओ यहां से जाओ, रांदे बारगाह हो, कोई तुम्हारे लिए हुज्जत दलील बुरहान नहीं है। उलमा ने कहा सजदा खुदा की तरफ था, सजदा खुदा के लिए था। अब जो भी तशरीह हो, जो भी तफसीर हो, मगर हुक्म आ जाए उस एक का कि करो सजदा, तो वो भी तौहीद। मेरी बात समझिए, अगर उसका हुक्म आए कि ये तो इंसान है, अगर मेरे नाम से कुछ दीवारें मंसूब हो जाए मिट्टी की और उसके गिर्द अगर फिरते जाओ और अगर आखिर में किसी काले पत्थर को बोसा दो और अगर नबी राजी हो तो तौहीद। देखिए किस मंजिल पर गुफ्तगू आई, कुरान में है कहीं हजर अस्वद के बोसे का जिक्र? कोई आयत बताइए, 6236 आयतें हैं कुरान में, किसी मकाम पे बताइए कि हजर अस्वद को बोसा दो। तवाफ का जिक्र है, तवाफ का जिक्र है, तहरा बैती अली ताइफीन वलाकिफीन, बाप बेटे आए इब्राहिम और इस्माइल, मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों के लिए ताहिर करो। मगर हजर अस्वद का जिक्र नहीं है। जमाने रसूल में हजर अस्वद को बोसा दिया, नबी की मर्जी थी, नबी की मर्जी थी, वो खुदा की मर्जी। सजदा करो तो तौहीद, और अगर नबी की मर्जी हो और पत्थर को बोसा दूं तो तौहीद। माफ कीजिए, जहनों को मुंतशिर न कीजिए कि मजलिस के दौरान का ये बहस इसलिए छिड़ रही है कि अपने आसार और अपने तबर्रुकात के एहतराम के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। नहीं, कतअन आप वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं इतनी तंगी फिक्र से काम नहीं लूंगा कि इस्तेदलाल का रुख बार बार अपने अकायद की तरफ मोड़ दूं, बिल्कुल नहीं। इस बात से कि मेरा अकीदा तो मेरे मकाम पर है, मेरी मंजिल है उसकी। अकीदे की मंजिल है, सर रख दिया हमने दरे जाना ना समझ कर, काफिर है जो सजदा करे बुतखाना समझ। बाप ने देखा कि ऐसी मंजिल पर जहां हम आपकी खिदमत में इन गुजारिशात को पेश कर रहे हैं, वहां फिर यह बतलाना है कि मकाम रसूल क्या है। अगर इस्लाम वही है कि जिसको आप इस वक्त अपने आप में पा रहे हैं और हज करके आ चुके, तो आपने किसी मकाम पे खड़े होके कंकरियां फेंकी, आपने किसी मकाम पे अपने शानों को हरकत देके कुछ दौड़ने कुछ चलने की कोशिश की, यानी अगर
पूरे हज की कोई तस्वीर न ले। बहुत गौर से सुनिए, यह एक साइकोलॉजिकल मसला है। पूरे हज का कोई फिल्म न बनाए, और अगर फकत मुसलमान जब सही कर रहे हो तो बस उतना टुकड़ा ले ले और डिटैच करके ले सारे अरकान से, और सिर्फ वो आपको फिल्म बताए तो आप कहेंगे दीवाने हैं। इसलिए अजीजों, हमारी जिंदगी में भी तमाम चीजों को निकाल के किसी खास मकाम को लेने के लिए आप जो बेचैन हैं वो बड़ी गलती होगी। जिंदगी को मुसलसल देखो। जिंदगी को मुसलसल देखो, जिंदगी के मदार को देखो, जिंदगी के एतबार को देखो। अल्लाह अल्लाह का रसूल, आले मोहम्मद को फकत इसीलिए चाहा कि निस्बत मोहम्मद से है, निस्बत मोहम्मद से है, और ऐसी निस्बत के जहां जान दे दी मगर मोहब्बत मोहम्मद के एहतराम में फर्क आने नहीं दिया। करबला नाम है एहतराम मोहम्मद का, करबला नाम है अजमत मोहम्मद का, करबला नाम है शहादत रिसालत मोहम्मद का। नहीं, करबला वो फैसला कौन मंजिल है जिस मंजिल से मरने वालों ने ऐलान किया कि मोहम्मद की हलाल की हुई शय कयामत तक हलाल है, और मोहम्मद ने जिसको हराम किया वो कयामत तक हराम। और ऐसी मंजिल पर बहुत आसान था हुसैन के लिए कि हुकूमत वक्त में जज्ब हो जाती, हुकूमत के वक्त में जज्ब हो जाते हैं, और ये कहते हुए जज्ब हो जाते कि कलमा तू भी तो पढ़ता है ना, मगर नहीं नहीं, जंग की और जितनी फुर्सत मिली, जितनी मोहलत मिली, कयामत की जंग थी। बड़े लश्कर आए थे, जाते हुए ये लश्कर गिने जा सकते थे, गिने जा सकते थे, इतने आदमी करबला में शहदाए करबला की तलवारों की नजर हुए हैं। और ऐसे मौके पर आखिरी वक्त तक यही कोशिश कि मान जाओ, संभल जाओ, गिला नहीं करूंगा कि अकबर मर गए, गिला नहीं करूंगा कि कासिम का जिस्म छलनी हो गया, गिला नहीं करूंगा कि औन मोहम्मद मर गया। देखिए, बहुत गौर से सुनिए, पूछा तो यही पूछा, लिमा तख्तुलूननी, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, अम अला शरीयतिन गैरतुहा, क्या मैंने कोई शरीयत में तब्दीली की। अबू इसहाक इस्फरायनी उलमाए अहले सुन्नत वल जमाह में से अज़म उलमा में से हैं। इनके मक्तल का नाम है नूरुल ऐनैन, बड़ा कदीम मक्तल है और हमारे लिए माखज है वो। लिमा तक्तुलूननी, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, अम अला शरीयतिन गैरतुहा, क्या मैंने रसूल की शरीयत में कोई तब्दीली की। मुसलमानों के लिए आसान था यह कहना जो आज सारी बातें कही जा रही हैं, हुसैन तुम्हारी शरीयत अलग है, हुसैन तुम्हारा दीन अलग है, हुसैन तुम्हारे बाप का दीन अलग था, हुसैन तुम्हारा कुरान अलग है, हुसैन तुम्हारे बाप का कुरान अलग है। हुकूमत वक्त हजार बहाने तराश सकती थी,
मगर कोई मौका न था, कोई इम्कान न था। सबों ने कहा फरजंदे रसूल आपने कोई शरीयत में तब्दीली नहीं की, आपने किसी का खून नहीं बहाया, आपके जिम्मे कोई दैन नहीं है, मगर फरजंदे रसूल हाकिम का हुक्म है कि वो बैअत चाहता है। फासिक व फाजर की बैअत नहीं करूंगा, शराबी की बैअत नहीं करूंगा, रसूल के हराम को हलाल करने वाले की बैअत नहीं करूंगा। और उसके बाद इज्न शुरू किया, जाओ औनो मोहम्मद, जाओ कासिम, जाओ अली अकबर, जाओ। पूरा घर गया। अली के बेटों की बारी आई, दो चार जुमले हैं, हाजरीन बहुत से अफराद और बहुत से अहबाब मेरे यहां ऐसे हैं कि जिनके लिए यह तर्ज फिक्र में अनोखापन है, मैं उनसे माजरत चाहता हूं। आज मुहर्रम की आठवीं तारीख है, अब हमारे पास कुल कल का एक ही दिन रह गया है और परसों तो दसवीं है, कोई तकरीर नहीं होती, कुछ देर के लिए आपको जमा किया जाता है ताकि आप हमको उस आलम में भी देख लें कि जिस आलम पर कुफ्र का शुबा है, जिस आलम पर शिर्क का शुबा है, उस आलम को भी देख लें। सब जा चुके, एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास सामने आए और आके कहा आका इजाजत है भाइयों को भेजूं। उम्मुल बनीन के चार बेटे थे, पहले सबसे छोटे बेटे को भेजा, यानी अब्बास के छोटे भाई गए, मंजिले भाई गए, अब्बास से जो छोटे थे वो भाई गए, तीन भाइयों की लाशें आई। उसके बाद फिर अब्बास आ गए, कहा अब्बास आप क्या चाहते हो? कहा मेरा एक बच्चा है, मेरा एक बच्चा, 9 बरस का बच्चा है आका, मोहम्मद इब्ने अब्बास नाम है। कहा अब्बास ये तो घर उजड़ जाएगा ना, आकर कोई ना रहे। काका मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है इस लाल को मैं सजाकर असलहे जंग से आरास्ता करके मैदान में भेजूं। कहा अब्बास तुम्हारी मर्जी। 9 बरस का बच्चा इमाम की खिदमत में आया, पांव पर सर रख के रुखसत लेके चला। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, बाबा आओ बाबा। तो अब्बास चले तो बिगड़ के कहा अब्बास क्या ऐसा हो सकता है कि बाप बेटे की लाश पे जाए? हम तुमको जाने नहीं देंगे अब्बास, हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुम यहां खड़े रहो, हम लेके आते हैं लाश भतीजे की। हुसैन गए, अब्बास के जिगर गोशे की लाश लाए, बड़ा घर खाली हो गया। अब शायद दो जुमले रह गए मेरी तकरीर, बड़ा घर खाली हो गया। हुसैन इब्ने अली से अबुल फजल ने सर झुका के कहा, मौला अब गुलाम को इजाजत। बस इतना सुनना था कि आंखों से मुसलसल आंसू जारी। कहा अब्बास तुमको तो सीने पर पाला है ना, तुमको तो बचपन से पाला है, कैसे इजाजत दे दूं? आका आका मैं न देख सकूंगा आपको, जख्मी न देख सकूंगा मैं, आपको हैरान न देख सकूंगा मौला जब तक मैं जिंदा हूं। आपके जिस्म अकदस पे एक जख्म नहीं आया है, तीर बराबर चल रहे हैं, मगर मौला अब मुझे इजाजत दीजिए, अब ताब नहीं है। अब्बास अब्बास बच्चों की आस टूट जाएगी, अब्बास घर का नक्शा बदल जाएगा, अब्बास शहजादियां नाउमैद हो जाएंगी, अब्बास मेरी कमर टूटेगी, अब्बास मेरा आलम गिरेगा, क्या करते हो अब्बास? और क्या नहीं आका मुझे जाने दीजिए। हुसैन ने कहा हम दोनों मिलकर जाएंगे,
का नहीं आका, मेरे सामने आप जख्मी नहीं होंगे, मैं न देख सकूंगा, आप यहीं रहें। ऐसे में वो वाकया जिसको आपने सुना, खैमे में गए, एक बच्ची को गोद में उठाया और मोहब्बत से कहने लगे, सकीना चल के सिफारिश करो, चल के सिफारिश करो, और कहो बाबा मुझे बड़ी प्यास लगी है, चचा को जाने दो, चचा को जाने दो। सकीना चचा के गोद में आई, बाप ने बेटी को देखा, कहा सकीना बहुत पछताओगी, सकीना बहुत रोगी, जिंदगी भर रोगी सकीना, अब तेरा चचा नहीं आएगा, अब तेरा चचा नहीं आएगा। अब सकीना चुप, और अब्बास बच्ची को छोड़ अलम हाथ में लिए एक मर्तबा मश्क को संभाले, चाहते थे कि आका के कदम पे गिर के खुदा हाफिज कहे कि एक मर्तबा फिजा ने खैमे का पर्दा उठा, कहा अली के लाल फातिमा की बेटी बुला रही, फातिमा की बेटी बुला रही है। अब तो अब्बास राशावर अंदाम हो गए, हुसैन को संभालना आसान था, अब शहजादी से क्या कहें। अब्बास आए, जनाब ज़ैनब ने सूरत को देखा, काम मैं समझ गई तुम जा रहे हो, घर पूरा लूट गया अब्बास, घर पूरा उजड़ गया, मेरे बच्चे न रहे, हुसैन का लाल न रहा, अली का पूरा घर उजड़ गया। जाहिर है मैं तुमको रोकूंगी नहीं अब्बास, मगर एक बात कहना चाहती, और वो बात ये थी अब्बास कि मैं 21वीं रमजान को जब बाबा को खुदा हाफिज कह रही थी तो बाबा मेरे बाजुओं के बोसे ले रहे, मैंने कहा बाबा क्या बात है, तो रो के कहने लगे ज़ैनब बाजुओं में रस्सी बंधेगी, मैं चुप हो गई अब्बास, मैं चुप हो गई, मगर हमेशा सोचती थी कि जिस बीबी के इतने भाई हो उसके बाजुओं में रस्सी कैसे बंधेगी। अब्बास अब मुझे यकीन हो गया अब्बास, अब जाओ अल्लाह के हवाले किया। अब्बास मुझे यकीन हो गया, हमीद इब्ने मुस्लिम बयान करता है कि अब्बास ने ज़ैनब से इजाजत ली, खैमे के बाहर आए, हमीद कहता खुदा की कसम, ये कातिब है, ये वाकया नवीस है इब्ने ज़ियाद का, ये उसने लिखा खुदा की कसम, सुबह से मैं देख रहा था अली अकबर निकले, औनो मोहम्मद निकले, कासिम निकले, अली के शेर निकले, मगर कभी किसी बीवी ने खेमे का पर्दा नहीं उठाया। और एक मर्तबा जब अब्बास बाहर आए, हमीद कहता है तमाम खेमों के पर्दे उठ गए और सारी बीबियां अब्बास अब्बास